3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें 15 मिनट यानी कि शुरुआत के जो 15 मिनट हैं या शुरुआत के 15 मिनट आपको पेपर रीडिंग के लिए मिलता है, पेपर रीडिंग के लिए मिलेगा। जो हाई स्कूल में है वो भी ध्यान से सुने, और जो 12th में है उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो भी समझ ही रहे हैं, बोर्ड एग्जाम उनके पास भी फर्स्ट टाइम आया है। ये 15 मिनट जो आपको पेपर रीडिंग के लिए मिल रहा है तो इसको पेपर रीडिंग में ही लगाइएगा। आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि जल्दबाजी में आ करके और इस 15 मिनट को बचाने के चक्कर में कि चलो हमने पेपर पढ़ा, कोई एक क्वेश्चन हमको आ गया, ये आ रहा है हमको तो हम लिखना शुरू कर देते हैं, कोई एक क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को हम नंबरिंग करके क्या करना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या करना है आपको, ये 15 मिनट का जो टाइम है, इस 15 मिनट के टाइम को पूरा यूटिलाइज करना है पेपर रीडिंग में, पेपर को ध्यान से पढ़ना।